बात थोड़ी कड़वी है पर सच्ची जरूर है। बहुत दुख हो रहा है इस बात को जानकर कि आपका सेल्फ स्टडी सिर्फ 2 से 3 घंटे ही हो रहा है और आप देने वाले हो बोर्ड एग्जाम। टारगेट तो बड़े बड़े हैं, 70%, 80%, 90%, 95% लाने हैं और पढ़ाई हो रहा है सिर्फ पास होने के लिए। सिर्फ वीडियो देख लेने से कुछ होने वाला नहीं है, पढ़ाई तो करना पड़ेगा, कर्म तो करना पड़ेगा। स्कोर चाहिए हाईएस्ट, मैं अपने दोस्तों से बिल्कुल पीछे नहीं रह सकता, लेकिन पढ़ाई बच्चों वाली। अगर आपको लगता है कि कोचिंग स्कूल क्लास में पढ़ लेने से सब कुछ हो जाएगा तो आप अभी बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। वहाँ सिर्फ आपको पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाता है, सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है, लेकिन सिर्फ इतना ही से सब कुछ हो जाने वाला होता तो शायद एग्जाम में कोई फेल नहीं होता, किसी का नंबर ही कम नहीं आता, क्योंकि कोचिंग स्कूल तो सभी स्टूडेंट जाते हैं और टीचर के द्वारा पढ़ाया गया हर टॉपिक हर क्वेश्चन को कॉपी में छापते भी हैं। पर कोई एग्जाम में फेल हो जाता है, कोई सिर्फ एग्जाम में पास करता है, किसी का नंबर कम आता है तो कोई हाईएस्ट स्कोर कर पाता है तो कोई टॉप कर जाता है। जब सब कोई कोचिंग स्कूल अटेंड करता ही है तो फिर इतना अंतर क्यों? वो सिर्फ सेल्फ स्टडी की वजह से। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि मैं सेल्फ स्टडी तो करता हूँ लेकिन याद नहीं रहता, मैं मेंटली वीक हूँ। तो इस बात को आप कहीं सुने हो कि नहीं? करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान, रस्सी आवत जात ते सिल पर परत निशान। अभ्यास ऐसी चीज है जो तेज दिमाग को भी पीछे छोड़ सकती है। खरगोश और कछुए वाली कहानी भी सुने हो? तेज भागने वाला खरगोश भी अगर रुक जाए, सो जाए, तो धीरे चलने वाला कछुआ भी लगातार चलकर खरगोश से आगे मंजिल तक पहुंच जाता है। मान लो कि आप एक बार में किसी टॉपिक को याद नहीं कर पाते हो और कोई दूसरा एक बार में किसी टॉपिक को याद कर लेता है, तो ऐसा नहीं है कि उस टॉपिक को आप 5 बार पढ़ो तो याद नहीं होगा, आपको भी होगा। लेकिन नहीं, हमें तो पढ़ना बिल्कुल नहीं है लेकिन नंबर भर भर के चाहिए। क्या ये मोटिवेशन है? नहीं, ये रियलिटी है। और फिर से सुन लो, कोचिंग स्कूल क्लास में पढ़ते हो ठीक है, लेकिन जब तक उसे अपने भाषा में समझोगे नहीं, खुद से पढ़ोगे नहीं, उसे फिर से रिपीट करोगे नहीं तो याद होगा कैसे? और नॉलेज बढ़ेगा कैसे? और एग्जाम में लिखोगे कैसे? और ये सब घर पर पढ़ने से होगा, सेल्फ स्टडी करने से होगा। लेकिन नहीं, सेल्फ स्टडी तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे, सिर्फ कोचिंग स्कूल में पढ़कर हम अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। और बोर्ड एग्जाम वाले स्टूडेंट सुन लो, लगभग स्कूल सबका बंद ही हो गया होगा, घर पर हो तो सेल्फ स्टडी पर ध्यान दो, एग्जाम में यही काम आएगा। और अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? देखो, खतरनाक से खतरनाक स्ट्रेटजी आते जाते रहेंगे, लेकिन सेल्फ स्टडी की आदत डाल लो तभी आप कोई स्ट्रेटजी अप्लाई कर भी पाओगे। देखो, पढ़ाई करोगे तभी तो कोई तरीका काम आएगा, अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो बढ़िया से बढ़िया तरीका काम नहीं आएगा। और मुझे ये भी पता है कि आप में वो पावर है, वो क्षमता है कि आप दिन के 5 घंटे 7 घंटे 8 घंटे तक सेल्फ स्टडी कर सकते हो, बस आप भटक गए हो। अपने मन की गुलामी से आप बाहर निकल जाओगे तो आप कुछ भी कर सकते हो। और मन की गुलामी से बाहर निकलने के लिए इस माइंड कंट्रोल वाली वीडियो को जरूर देखना, आपको पता चल जाएगा कि हमारा मन हमें कैसे बेवकूफ बनाता है और उसे निकलने का तरीका क्या है। सबसे पहले मन को कंट्रोल करो, उसके बाद में घर पर पढ़ाई करने की आदत डालो। मुझे इतना घंटे डेली पढ़ना है तो पढ़ना है, और कैसे पढ़ना है सेल्फ स्टडी वाले वीडियो को देख सकते हो। देखो, पहले ये 2 चीजें कंप्लीट करो, मन को कंट्रोल करके सेल्फ स्टडी ज्यादा से ज्यादा करने की आदत डालो। कमाल की स्ट्रेटजी नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूँ, उसको देखने के बाद आपकी एग्जाम की तैयारी नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी और मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने टारगेट को अचीव कर पाओगे। मिलते हैं कमाल की स्ट्रेटजी वाले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।